इज हिंदी कविता। आज जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है? हिंदी कविता। क्यों? क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे आपका राइम्स स्टोरी टाइम होता है ना। सैटरडे को हम आपको क्या पढ़ाते हैं? सैटरडे को हम आपको राइम्स पढ़ाते हैं, स्टोरी पढ़ाते हैं, ये सारी चीजें है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस चीज का है? हिंदी कविता। ओके स्टूडेंट, ठीक है। हिंदी बुक, सॉरी हिंदी बाल, ठीक है, बाल की तुम कहानियां गतिविधियां बुक। ओके एंड ओपन पेज नंबर 14। लुक इट हियर, पेज नंबर 14। ओके चैप्टर 8 सेव। आपको जब ये पेज आप ओपन करेंगे, बाल की जो हिंदी कविता बुक है आपकी कहानियां वाला, उसे जब आप ओपन करेंगे तो पेज नंबर 14 ओपन करेंगे, तो पेज नंबर 14 पे आपको ये आपका चैप्टर मिल जाएगा और आपके चैप्टर का नाम क्या है? सेव। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज जो हमारी कविता का नाम है सेव है और हमने यहाँ पे जो है ये क्या बना रखा है, मैंने यहाँ पे सेव बना रखा है। देखिए, आपको सेव पसंद है स्टूडेंट? आप सेव खाते हैं? सेव आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखिए, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको खाना है? यू वॉन्ट इट? खाना है? ओके कोई बात नहीं, अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आपके घर पे होंगे, आप उसे जरूर खाइए, क्योंकि एप्पल आपके लिए बहुत यूजफुल है। एप्पल खाने से बहुत आप स्ट्रांग होते हैं और हेल्दी होते हैं। एप्पल आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप उसको, एप्पल फ्रूट्स में सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ओके डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि आपको पर डे 1 एप्पल खाना चाहिए, है ना स्टूडेंट। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एप्पल खाएंगे या कोई भी फ्रूट खाते हैं तो बिना वॉश किए उसे मत खाया करिए। आप उसे पहले वॉश करके फिर उसे कट करके आराम से बैठ कर खाइए, है ना। तो एप्पल आपको पसंद है? मुझे भी बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम एप्पल के बारे में कुछ जानते हैं। एप्पल की जो हमारी आज राइम्स है, कविता जो है, आज हम उसे पढ़ते हैं और एप्पल के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट लाइन है, बोर्ड, ये देखिए बोर्ड पे ये मैंने आपकी कविता लिख रखी है पहले से और उससे रिलेटेड पिक्चर भी मैंने यहाँ पे बना रखी है, जो कि है एप्पल। ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बड़ा है, पता है क्यों? ये सब के लिए है। ये 1 एप्पल जब कट होगा तो हम लोग सब लोग मिलकर इसे खाएंगे, इसीलिए, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट लाइन लिख के क्या, सभी फलों में सेब हनियारा, है ना, सभी फलों में सेब हनियारा, क्या सभी फलों में सेब हनियारा। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप रीडिंग करते हैं पोयम तो आप फिंगर को यहाँ पे पॉइंट आउट करके, आप वर्ड्स को जो भी है वहाँ पे फिंगर रख करके प्रोनाउंसिएशन करके बोल बोल के पढ़ेंगे, है ना। तब आपको क्या होगा, इजिली लर्न हो जाएगा, आप इसको अच्छे से लर्न कर पाएंगे। ओके चलिए, सभी फलों में सेब है न्यारा। फर्स्ट लाइन क्या है? सभी फलों में सेब है न्यारा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी होता है, ज्यादा अच्छा होता है आपके लिए, है ना। सेकेंड लाइन में है, सबको लगता है ये प्यारा, और सबसे ज्यादा अच्छा होने की, अच्छे होने की वजह से, यूजफुल होने की वजह से क्या है ये? सबको लगता है ये प्यारा। ओके कम टू द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में क्या है पोएम में? एक सेब जो रोज है खाता। ओके मतलब एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता। जो बच्चे या फिर जो भी लोग 1 एप्पल रेगुलरली खाते हैं उनको क्या होता है? वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, वो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो इसलिए एक सेब जो रोज खाते हैं वो बीमारियों को दूर भगा देता है। तो आपको भी एप्पल रोज खाना चाहिए, पर डे 1 एप्पल आप रोज खाइए। ओके नेक्स्ट लाइन में है, नेक्स्ट लाइन देखिए यहाँ पे, कम टू द फिफ्थ लाइन। माँ मुझे भी एक सेब खिला दो। जो बच्चा है आपकी बुक में आप देख रहे होंगे, वो क्या कह रहा है अपनी मम्मा से? वो अपनी मम्मा से कह रहा है माँ मुझे भी एक सेब खिला दो। ओके वरना एप्पल जूस पिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो। वो बच्चा अपनी मम्मा से क्या कह रहा है? वो
वो बच्चा अपनी मम्मा से कह रहा है कि माँ मुझे एक सेब खिला दीजिए, है ना। और अगर आप सेब नहीं खिला रही है तो एक काम करिए, मुझे आप एप्पल का जूस दे दीजिए, है ना, एप्पल जूस दे दीजिए ताकि मैं एप्पल का जूस पी लूं। स्टूडेंट, अगर आप सेब खा रहे हैं या फिर एप्पल जूस ले रहे हैं तो दोनों में सेम ठीक है, आपको उतनी ही एनर्जी, उतनी ही प्रोटीन, विटामिन जो भी है वो सारी चीजें दोनों से ही मिलेगी। ओके, या तो आप एक सेब खा लीजिए या फिर आप एप्पल जूस पी लीजिए, है ना, पर आपको रेगुलर वन एप्पल खाना है। और अगर एप्पल नहीं है, एप्पल जूस है तो कोई बात नहीं, आप एप्पल जूस पी सकते हैं, वो और अच्छा है, है ना। चलिए एक बार फिर से इसको रीड करते हैं, है ना। वो कहते हैं बोर्ड सभी फलों में सेब। ओके स्टूडेंट, एक बार फिर से पढ़ते हैं हम, ठीक है। सभी फलों में सेब हुनियारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता। ओके नेक्स्ट, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। ओके स्टूडेंट, आप इस पोएम के मतलब को समझे गए होंगे, मैंने आपको बताया। अब चलिए अब हम इसको रीसाइट करेंगे, गा के सीखेंगे कि इसको कैसे जो है ना रीसाइट करते हैं, गाते हैं इसको। ओके पोएम को, ओके ना, मेरे साथ साथ आप भी करिए, पोएम को रीसाइट करिए मेरे साथ साथ आप भी, ताकि आप अच्छे से इसको सीख सकें, है ना। चलिए, सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा। ओके, सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो, है ना, मजा आया। चलिए एक बार फिर से रिसाइट करते हैं, आप फिंगर जरूर रखिए अपने बुक में, फिंगर रख रख के रिसाइट करिए। ओके, तभी आपको अच्छे से लर्न होगा कि कौन से लाइन में आपको क्या करना है, है ना। चलिए, सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। मजा आया, लर्न हुआ आपको, और अगर लर्न नहीं हुआ है तो एक बार मैं फिर से आपको रिसाइट करा रही हूँ। देखिए ये फल आपको एप्पल जो ये बना हुआ है, अच्छा लग रहा है, खाने का मन कर रहा है, यम्मी ना, सो टेस्टी, मेरा भी मन कर रहा है कि इसको जल्द से जल्द मैं कट करूं। और चलिए एक बार फिर से रिसाइट करते हैं पोएम को, सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। ओके स्टूडेंट, लर्न हुआ, आप इस पोएम को 2-3 टाइम जितने टाइम में भी आप लर्न कर सकते हैं आप इसको लर्न करिए, और इसकी वीडियो बना के विद एक्शन, ओके विद एक्शन वीडियो बना के इसकी मुझे सेंड करिए। ओके, अभी मैं इसको आपको और अलग अलग एक तरीके से मैंने आपको रिसाइट करना सिखाया, अभी मैं आपको बुक में इसके साथ अलग से रिसाइट करना, एक और तरीके से रिसाइट करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने बुक से रिसाइट करते हैं। ओके चलो, ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम अपने बुक में इस कविता को पढ़ेंगे। ओके, ये जो हमारी बुक है ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारी बुक है बाल गीत एवं कहानियां और गतिविधियां। ओके, पेज नंबर ओपन 14, पेज नंबर लुक एट हियर, पेज नंबर 14। ओके ओपन करेंगे, अब हम इस कविता को अपने बुक में रिसाइट करेंगे, है ना। चैप्टर 8, कौन कितने नंबर कविता है हमारी, ये आठवीं कविता है ना।
तो ये आज हम आपको आठवीं कविता पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका एप्पल बना हुआ है। अभी अभी मैंने आपको बोर्ड पे डिस्क्राइब किया ये सारी चीजें कि एप्पल खाने से क्या होता है, एप्पल खाने से कितनी सारे बेनिफिट्स होते हैं, हमें रोज एप्पल खाना चाहिए। ये देखिए, ये बच्चा भी एप्पल खा के कितना खुश है ना। क्यों खुश है? क्योंकि ये एप्पल खा के हेल्दी एंड फिट एंड फाइन है ना। तो इस वजह से ये एप्पल खाता है और इसे एप्पल बहुत पसंद है। देखिए कितना खुश है, कितना हैप्पी है ये, है ना। और डॉक्टर को देखिए, ये डॉक्टर क्या है, ये बच्चा रोज एप्पल खाता है तो ये फिट एंड फाइन है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्दी है ये, स्वस्थ है। तो डॉक्टर इसके पास कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एप्पल खा रहे हैं और एप्पल में बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन्स होते हैं। एप्पल खाने से हमें बहुत अच्छी चीज़ें, जैसे आयरन हमारे बॉडी में ब्लड बनता है ना, प्रोटीन्स होते हैं इसमें, तो इस वजह से हमें एप्पल खाना चाहिए, है ना। और जो बच्चे एप्पल रेगुलरली खाते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो चलिए, ये चैप्टर हम चैप्टर 8 है हमारा, जो कविता का क्या नाम है हमारा, सेब। अभी अभी मैंने आपको बोर्ड पे डिस्क्राइब किया, आपको प्रॉब्लम आ रही है पुट आउट फिंगर रख के इसको रीसाइड करने में, तो मैं आज आपको फिंगर रख के रीसाइड करना सिखा रही हूँ, आप इसको करेंगे। ओके, चलिए लुक एट द बुक, बुक पे देखिए। ओके, लुक एट हियर, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन है, सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, है ना। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज है खाता बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। वाह वाह, वेरी गुड। ये पोएम तो बहुत अच्छा है भाई, ये पोएम तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे रिसाइट करने में भी। और इसको रिसाइट करने के बाद यही मन कर रहा है कि फिर मुझे एप्पल तो खाना ही है और खाना भी चाहिए, है ना। तो चलिए एक बार फिर से रिसाइट करते हैं। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज खाता बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। देखिए ये क्या कह रहा है बच्चा अपनी मम्मा से, कह रहा माँ मुझे एक सेब खिला दो वरना, अगर आप सेब नहीं खिला रही तो कोई बात नहीं, आप मुझे एप्पल जूस पिला दो, एप्पल, है ना, एप्पल जूस पिलाने के लिए ये कह रहा है। चलिए एक बार फिर से रिसाइट करते हैं। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज खाता बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो, है ना। चलिए फिर से एक बार रिसाइट करते हैं, 2 or 3 टाइम आप भी इसको रिसाइट करिए, और तब तक रिसाइट करते रहिए जब तक आपको लर्न नहीं हो जाए। आप इसको रिसाइट करिए और रिसाइट करके मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड करिएगा। ओके, चलिए। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज खाता बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो। देखिए बच्चा अपनी मम्मा से रिक्वेस्ट कर रहा है ना एप्पल जूस के लिए, एप्पल के लिए और एप्पल जूस के लिए। आप लोग भी खाइए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एप्पल नहीं पसंद होते हैं, बट बेटा फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, आपको हेल्दी फिट एंड फाइन रखने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप रेगुलरली फ्रूट खा रहे हैं, पर डे आप कोई एक फ्रूट खा रहे हैं या 2 फ्रूट खा रहे हैं, 1 या 2, तो आपके लिए वो सेहतमंद रहेगा, आप बीमार नहीं होंगे, है ना। तो जो भी आपके बॉडी में कमियां आ रही है विटामिन प्रोटीन्स जो भी किसी भी चीज़ की, तो वो फ्रूट खाने से वो कवर कर लेता है। इसलिए आपको हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, आपको एप्पल और फ्रूट्स खाने चाहिए, है ना, रेगुलरली खाने चाहिए। चलिए एक बार फिर से लास्ट टाइम हम इसको रिसाइट करते हैं। सभी फलों में सेब है न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा, एक सेब जो रोज खाता बीमारी को दूर भगाता, माँ मुझे भी एक सेब खिला दो वरना एप्पल जूस पिला दो।
ओके। सभी फलों में सेब न्यारा, सबको लगता है ये प्यारा। एक सेब जो रोज है खाता, बीमारी को दूर भगाता। माँ मुझे भी एक सेब खिला दो, वरना एप्पल जूस पिला दो। वाह, वेरी गुड। आपको भी उम्मीद है लर्न हो जाएगा। आप इसी तरह से इस चैप्टर को लर्न करिए, इसकी वीडियो बना के मुझे सेंड करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।